सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। 6 दिन के अंदर भदोही शहर के एक मोहल्ले से मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए 650 आवेदन पहुंचने से हड़कंप मच गया। भदोही शहर के काजीपुर से 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच भारत निर्वाचन की वेबसाइट पर 650 लोगों ने मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। इतनी बड़ी संख्या में एक ही मोहल्ले से किए गए आवेदन से विभाग में हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल के लिए भदोही तहसीलदार संजय कुमार काजीपुर मोहल्ले में पहुंच गए। जांच के बाद एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। जांच पड़ताल के बाद मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जिस नाम से आवेदन हुआ है उस नाम के लोग यहां नहीं हैं। बस क्या था, विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक सप्ताह के अंदर 650 लोगों के आवेदन देख अधिकारियों के होश उड़ गए। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए 650 लोगों ने आवेदन किया था। भदोही शहर के चक अब्दुल करीम उर्फ काजीपुर के बूथ नंबर 259, कक्ष संख्या 4 व बूथ नंबर 661 व कक्ष संख्या 6 में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का आवेदन किया गया है। जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार ने 47 लोगों से फोन पर वार्ता भी की, लेकिन उन्होंने इस तरह के आवेदन से पूरी तरह इनकार कर दिया। जांच टीम में निर्वाचन बीआरसी फैज अहमद, सुपरवाइजर कृष्ण कुमार यादव, बीएलओ रवि शंकर, रामा शंकर मौजूद रहे। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव से पहले यह किसी की शरारत है या साजिश, मोहल्ले के लोग भी परेशान हैं। बाइक खड़ी कर रेलवे ट्रैक पार कर शौच के लिए जा रहा एक अधेड़ ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से हड़कंप मच गया था। मामला गोपीगंज के ककराही रेलवे क्रॉसिंग का है। चील के अनिरुद्धपुर निवासी 45 वर्षीय वीरेंद्र कुमार शुक्ला प्रयागराज गए हुए थे। किसी ट्रेन से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन उतर गए, फिर बाइक से निकल पड़े। रास्ते में ककराही रेलवे क्रॉसिंग के एक चाय की दुकान के समीप बाइक खड़ी कर रेलवे ट्रैक पार कर शौच के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथ में पानी का बोतल भी मौजूद था। वीरेंद्र कुमार शुक्ला रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी एक ट्रेन की चपेट में आ गए और मौत हो गई। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही शहर के कटरा बाजार शीतला माता मंदिर पर गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। चैत्र नवरात्रि समापन के बाद दशमी को प्रत्येक वर्ष मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्री माँ शीतला एवं सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित इस भंडारे में हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। समिति के लोगों ने पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल का स्वागत किया। 101 कन्याओं का भोजन कराने के बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया था। इस मौके पर मुरारी गुप्ता, दिलीप जायसवाल, विनीत बर्नवाल, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सतीश गांधी सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। गोपीगंज के रामपुर घाट के समीप चलने वाली चायपान कोल्ड ड्रिंक की बोगी में आग लग गई। आग लगते ही रात को हड़कंप मच गया था। रामपुर गंगा घाट निवासी विनय वर्मा अपने निवास स्थान से 100 मीटर की दूरी पर घाट के समीप बोगी रखकर चायपान मसाला कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाते हैं। रात करीब 1 बजे बोगी में आग लग गई। बोगी से उठती आग की लपटों को देख बाहर सो रहे लोगों ने शोर मचाया। विनय वर्मा मौके पर पहुंच गए। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बोगी जलकर खाक हो गई थी। अबूझाल में लगी आग से बोगी में रखा सब कुछ जलकर खाक हो गया था। अप्रैल माह में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच भदोही में बिजली कटौती ने शहर वासियों को बेहाल कर दिया है। जबकि विद्युत विभाग ने गर्मी के शुरुआती मौसम में ही बेहतर विद्युत आपूर्ति का दावा किया था। ट्रांसफार्मर व जर्जर तारों को दुरुस्त करने का दम भर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच भदोही शहर में विद्युत कटौती ने बेहाल कर दिया है। कभी ट्रिपिंग तो कभी कई कई घंटे अघोषित विद्युत कटौती से शहरवासी बिलबिला गए हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता का मोबाइल नंबर भी हमेशा बंद रहता है। भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से भदोही की जनता त्रस्त होती नजर आ रही है।
तहलगी सीजन में भदोही जनपदवासी जाम के झाम से परेशान हैं। गुरुवार को तेज लगन होने के चलते सूर्यामा के नेतानगर रेलवे फाटक व भदोही शहर का गजिया ओवरब्रिज, लिप्पन तिराहा स्टेशन रोड, पकरी रेलवे फाटक व भदोही शहर का रेवड़ा फाटक जाम के झाम से जूझता नजर आया। शादी विवाह में निकले वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। उधर सहलक की खरीदारी के लिए निकले लोग भी जाम में फंसकर परेशान होते नजर आए। भदोही शहर का लिप्पन तिराहा तो घंटों जाम से जूझता रहा। भदोही शहर में आने वाले स्कूली वाहन दाद में खाज का काम कर रहे थे। भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अड़गवा उर्फ मोड़ निवासी बिक्की गौतम ने कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान मोड़डीह निवासी डॉक्टर पांडे व प्रिंस पांडे आदि पहुंचे और गाली गलौज देते हुए मारा पीटा है। बिक्की गौतम ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी ने भदोही से अपना जिलाध्यक्ष बदल दिया है। अब जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी कोयरौना के तुलसी पट्टी भरद्वार निवासी जयप्रकाश चौधरी को सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भदोही जनपद से अपना जिलाध्यक्ष बदल दिया है और जयप्रकाश चौधरी को BSP जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। गुरुवार को समर्थकों के साथ ज्ञानपुर मुखर्जी पार्क पहुंचकर जयप्रकाश चौधरी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयप्रकाश चौधरी को यह तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का रतनलाल यादव, सुनील गौतम, इरफान बबलू, रामलाल पाल, बंसीधर मौर्या आदि लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। भदोही शहर के सरोही दुलमदासपुर से DM कार्यालय पहुंची रेशमा बेगम, रिहाना बेगम, जायसा बेगम ने एक पत्र देते हुए आवासीय योजना का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। महिलाओं ने DM को पत्र सौंपते हुए कहा कि वह कालीन बुनकर है और मिट्टी का मकान बनाकर टीन सेट रखकर रहने को मजबूर हैं। रहने के लिए पक्का घर नहीं है। ठंडी गर्मी बरसात जैसे मौसमों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने DM को पत्र सौंपते हुए आवासीय योजना का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। सूर्यामा के मिश्रपुर जगतपुर गांव में एक बांस की कोठी में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया था। गांव के बैजनाथ प्रजापति, बसंतु लाल, संतलाल प्रजापति, राजमणि जैसे ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि बांस की कोठी के ऊपर से विद्युत तार गुजरा है। शॉर्ट सर्किट के चलते दोपहर 12 बजे आग लगी थी। भदोही शहर के कारपेट सिटी मोरवा पुल के समीप तेज रफ्तार बाइक ने मोपेड में टक्कर मार दी। हादसे में भदोही शहर के फत्तूपुर निवासी 65 वर्षीय सोमनाथ चौरसिया व उनकी पत्नी शकुंतला देवी घायल हो गई। घायलों का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। सोमनाथ चौरसिया अपनी पत्नी शकुंतला देवी को मोपेड बाइक से लेकर कालिका धाम दर्शन करने गए थे। लौटते समय मोरवा पुल के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से उनके मोपेड में टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी घायल हो गए थे। सूर्यामा के जीएनपुर निवासी बिंदवासिनी प्रसाद ने DM को एक शिकायती पत्र देते हुए एक आरा मशीन संचालक के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि उनके भुंधरी जमीन पर लगे हरे शीशम के पेड़ को दानूपुर बाजार के पश्चिम तरफ चलने वाली आरा मशीन के संचालक हरे पेड़ को काटकर उठा ले गए हैं। कहा कि दानूपुर बाजार पश्चिम तरफ चलने वाली इस आरा मशीन के रजिस्ट्रेशन में भी झोल है। कहा कि भारी मात्रा में आरा मशीन परिसर में हरे पेड़ की लकड़ी मौजूद है। अवैध रूप से आरा मशीन संचालक लकड़ी का कटान करवाते हैं। सूर्यामा के जीएनपुर निवासी बिंदवासिनी प्रसाद ने DM को शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। तेज धूप, हवा व गर्मी से बेहाल एक उल्लू पेड़ से अचानक नीचे गिर गया। नीचे गिरने से उल्लू घायल हो गया था। एक परिवार के लोगों ने उल्लू को कब्जे में लेकर देसी इलाज कर उल्लू की जान बचाई। मामला सूर्यामा के अमलहरा बिंद बस्ती का है। कृष्ण प्रसाद बिंद परिवार के साथ अपने घर के सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी अचानक एक उल्लू पेड़ से गिर पड़ा। बताया जाता है कि तेज धूप से उल्लू पेड़ से नीचे गिरा था। हालांकि कृष्ण प्रसाद बिंद के परिवार के लोग उल्लू का इलाज करते हुए उसकी जान बचा ली है।
मोड़ बाजार के सराय छत्रसाह के रहने वाले लाल बहादुर की पत्नी पूनम देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर बाउंड्री वाल व मेड़बंदी के लिए खींचे गए तार को क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगाया है। पूनम देवी ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसके ससुर के नाम सराय छत्रसाह में जमीन मौजूद है। उस जमीन पर नरोत्तमपुर उर्फ चमरूपट्टी निवासी नन्हे हलवाई आशा देवी, सराय छत्रसाह निवासी प्रदुम गरीब जैसे लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट की जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए पूनम देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। शौच के लिए घर से निकला वृद्ध लापता हो गया है। वृद्ध की दिमागी हालत ठीक नहीं है। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन गुमशुदा वृद्ध की जानकारी नहीं हो पाई है। अब औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। औराई के बाड़ी बमनोटी निवासी अमित कुमार ने औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उसके 62 वर्षीय पिता राम जियामन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। शौच के लिए घर से निकले थे जो लापता हो गए हैं। कद 5 फीट 2 इंच है, रंग सावला है, हाफ नेकर व सफेद गंजी पहने हुए हैं। फिलहाल औराई पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर वृद्ध की तलाश में जुटी हुई है। चौरी के लठिया निवासी त्रिभुवन चौहान ने डीएम कार्यालय पहुंचकर तालाब व ऊसर जैसे सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की गुहार लगाई है। त्रिभुवन चौहान ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के वकील चौहान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किए हुए हैं। शिकायती पत्र देते हुए त्रिभुवन चौहान ने स्थलीय निरीक्षण कराकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह लग चुका है। हर अधिकारी अपनी ड्यूटी संभाल ली है। गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोडिया भदोही पहुंचे थे। पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल मंडल आरपी सिंह, एसपी भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ चमन सिंह चावड़ा, यूपी सिंह, इंस्पेक्टर सजदानंद पांडे सहित भारी पुलिस बल के साथ औराई के केशव प्रसाद राली पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया है, जहां चुनाव ड्यूटी में लगने वाले पुलिसकर्मी व स्पेशल फोर्स को ठहराया जाएगा। फोर्स के ठहरने की व्यवस्थाओं का पुलिस के आला अफसरों ने जायजा लिया है। शौचालय, प्रकाश, साफ सफाई, स्नान घर जैसी व्यवस्थाओं को पुलिस अधिकारियों ने परखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर 29 अप्रैल से जनपद में अधिसूचना जारी हो जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहे बैरिकेडिंग, लाइटिंग, पार्किंग, अन्य बिंदुओं पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह ने निरीक्षण किया है। साथ ही बाकी कामों को समय पर पूरा कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। कहा कि निर्वाचन कार्यों को देखते हुए जल्द ही कलेक्ट्रेट कर्मियों के लिए पास जारी होंगे, जिससे अनावश्यक लोगों का कलेक्ट्रेट में प्रवेश रोका जा सके। उधर निर्वाचन कार्यालय के समीप डीएम ने सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन भी किया। औराई के माधो सिंह निवासी सनवारुल हक ने जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए माधो सिंह के एक बैंक के प्रबंधक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। कहा कि वह एटीएम पर 5,000 रुपया निकालने पहुंचा था, कार्ड लगाने पर पैसा नहीं निकला, लेकिन एटीएम से पैसा कटने का मैसेज आ गया। टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी की गई। सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की गई है। शिकायत के बावजूद भी उसके मामले में शाखा प्रबंधक द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा दौड़ाया जा रहा है। माधो सिंह निवासी सरमारुल हक ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।